स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल नाइन्थ। स्टेटमेंट क्या है आपके पास? एक्सप्रेस दिस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। आपका जो ये गिवन है वो किस में है? आपका रेक्टेंगुलर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि एक्स वाई जे में है और आई जे के में है। इसको किस में चेंज करना है आपको? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है आपके पास? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? आर, थीटा और फाई। तो इसका मतलब आपको एक्स वाई जेड को किस में चेंज करना है? आर, थीटा, फाई में। और आई जे के को किस में चेंज करना है आपको? ई आर, ई थीटा और ई फाइव में। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, आपको पता है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस ऑफ फाई। वाई कितना होता है आपके पास? आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई। और आपके पास जेड कितना होता है आपका? आर कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आपके पास ये होती है। अब हमें क्या निकालना है? आई जे और के की वैल्यू निकालनी है। किसकी टर्म में? ई आर, ई थीटा और ई फाई की टर्म में। इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप मान के चलो कि आर आपके पास कोई एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है और वो कैसे गिवन है आपका? वैक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब देखो ये तो आपका किस में है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर इसको स्फेरिकल में चेंज करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे इसकी जगह पे, कितना आ जाएगा आपके पास? आर साइन थीटा कोस ऑफ फाई आई प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास? आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई। जे आपका एज इट इज, प्लस जेड की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास? आर कोस ऑफ थीटा और आपका के एज इट इज। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो आपका ई आर होता है वो क्या है आपके पास? यूनिट वेक्टर्स है टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, किस में? आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके पास? करली आर बाय करली आर डिवाइडेड बाय करली आर बाय करली आर का मैग्नीट्यूड। ये सारा काम हम बहुत पहले जो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो थी उसमें कर चुके थे E1, E2 और E3 के लिए। E1 आपके पास क्या था? करली आर बाय करली यू डिवाइडेड बाय करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड होता था। लेकिन आपका जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें यू क्या है आपके पास? आर, वी कितना है आपके पास? थीटा। और जेड कितना है? यू वी डब्ल्यू कितना है आपके पास? फाई। ठीक है, और E1, E2, E3 किस में चेंज हो जाएंगे आपके पास? E1 की जगह पे आपके पास आएगा ER और E2 की जगह पे E थीटा और E5 किसकी जगह पे आएगा आपके पास? E3 की जगह पे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को यूज़ करके हमने क्या किया? करली आर बाई करली आर की वैल्यू निकाल दी। करली आर बाई करली आर की वैल्यू निकाल के इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप ट्राई करके देख लेना, इसको आ जाएगा इजीली। ठीक है, कितना आएगा देखो, ये आपके पास आएगी साइन थीटा कोस फाई आई प्लस ये आपके पास आएगा साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा ऑफ के। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? ई आर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालोगे? ई थीटा की वैल्यू निकालोगे। ई थीटा का मतलब आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। आर आपके पास ये गिवन, करली आर बाई करली थीटा निकाल दोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे तो देखो कितना आएगा। आप, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप लोग इसको निकाल के देख लेना। ये आपके पास आएगा कोस थीटा कोस ऑफ फाई आई प्लस कोस थीटा साइन ऑफ फाई जे माइनस साइन थीटा के। सिमिलरली आपके पास ई फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करली आर बाय करली फाई डिवाइडेड बाय करली आर बाय करली फाई का मैग्नीट्यूड। कर लेना इसको सोल्व। आर का पहले डेरिवेटिव निकालो फाई के रिस्पेक्ट में, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करो और इसकी वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ई आर, ई थीटा और ई फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है? आई जे के की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो मान लो जो आपका ये वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको आपने क्या मान लिया? वेक्टर एफ मान लिया कि ये आपका क्या है? वेक्टर एफ है। तो वेक्टर एफ किसके इक्वल है आपके पास? एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस
जेड वाई के, ठीक है। इसको अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो कोई एक नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर किसके टर्म में आएगा आपके पास, ई आर ई थीटा और ई के ई जेड ई फाई के टर्म में आएगा। तो आपने मान लिया जो नया वेक्टर आएगा वो किस में आएगा आपके पास, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन ई आर प्लस एफ टू ई थीटा प्लस एफ थ्री ई फाई, ठीक है। अब देखो ई आर ई थीटा ई फाई की वैल्यू तो आपने निकाल ली, एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यू और आपके पास आ जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर एफ आ जाएगा। अब देखो इस एफ वन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इस एफ का डॉट ले दो किसके साथ, ई आर के साथ। तो जब आप इस वेक्टर एफ का डॉट लोगे ई आर के साथ, तो देखो ई आर ई थीटा का डॉट जीरो, ई आर ई फाई का डॉट जीरो, आपके पास क्या आ जाएगा, एफ वन आ जाएगा। तो एफ वन कहाँ से इवेलुएट हो जाएगा आपका, यहाँ से इवेलुएट हो जाएगा। एफ वन कितना आएगा आपके पास, कर दो वैल्यू पुट, एफ कितना है आपके पास, एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस जेड वाई के, ठीक है। और इसका डॉट ले दो किसके साथ, ई आर के साथ। ई आर कितना है आपके पास, ये कर दो वैल्यू पुट, साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन कोस ऑफ साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा ऑफ के। इन दोनों का क्या करना है आपको, डॉट लेना है। आई क्या, आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, के का के साथ डॉट। इसका डॉट लेके इसको क्या करोगे आप, सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ वन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एफ टू की वैल्यू कैसे आएगी, जब इस एफ का डॉट ई थीटा के साथ ले दोगे, एफ की वैल्यू आपके पास ये, ई थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास ये, दोनों का डॉट ले दोगे क्या आ जाएगा आपके पास, एफ टू आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इस एफ का डॉट किसके साथ लोगे, ई फाई के साथ लोगे, तो आपके पास एफ थ्री आएगा। एफ थ्री कितना आ जाएगा आपके पास, वेक्टर एफ डॉट ई फाई। एफ की वैल्यू आपके पास गिवन, ई फाई की वैल्यू आपने ये निकाल दी, दोनों का डॉट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ थ्री आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ठीक है।